खबरपूरी के पूर्व SDM के रसोईया ने वसूल किए किसान से 35,000। खबरपूरी अनुविभाग के SDM ऑफिस से है, जहां पूर्व में SDM के रसोइयों ने जमीन के रसीद कटवाने के एवज में 35,000 की रिश्वत डका ली है। पीड़ित की जमीन की रसीद कटी, ना ही पैसे वापस मिले, इसके लेकर आज पीड़ित पोहरी के अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार हरिचरण जाटव पुत्र काशीराम जाटव निवासी सरवानी तहसील पोहरी ने अपनी जमीन की रसीद कटवाने के लिए 4 माह पहले पूर्व SDM शिवदयाल थाकड़ के रसोइया गुलाबबाथा में, जो SDM के घर पर खाना बनाने का काम करता था, उसको 35,000 रुपए जमीन की रसीद कटवाने के एवज में दिए थे। पीड़ित की ना तो रसीद कटी गई, ना ही पैसे वापस किए गए। जब इस संबंध में पीड़ित के द्वारा गुलाबबाथम से वे पैसे वापस करने की बात कही, तो गुलाबबाथम के द्वारा हरिचरण जाटव के साथ हाथापाई करते हुए गंदी गंदी गालियां दे डाली। पीड़ित के पास पैसे देने के रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं, जिसमें पैसे के लेने देने की बात की जा रही है। इस संबंध में आज पीड़ित के द्वारा पोहरी अनुविभागीय अधिकारी को एक लिखित आवेदन देते हुए शिकायत की है, अपने दिए गए पैसे वापस करने की गुहार लगाई है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हरिचरण जाटव। कौन से गाँव से आया? सरवान। तो जो 35,000 रुपए का जो मामला, वो क्या कुछ मामला है? रसीद कटवावे थे भाई साहब, रसीद कटवाने। किसको दिए थे? गुलाब का जी। ये कौन है गुलाब? गुलाब SDM के रोटी बनाता है। अच्छा, रोटी बनाता है SDM साहब के यहाँ। तो किस लिए दिए थे आपने 35,000 रुपए? जमीन करवे के लिए बना, रसीद कटवावे। अच्छा, तो रसीद कट गई? नहीं कटी भाई साहब। क्या कहता है आपसे अब? दुनिया भरी बात करता है, मुझे मारने के लिए दौड़ता है। तो आपने इसकी शिकायत तो आपने उस वरिष्ठ अधिकारी से नहीं की थी? नहीं कही साहब। मतलब आपको SDM साहब को नहीं बताया? नहीं बताया। तो इसकी शिकायत आप किसी अधिकारी के यहाँ गए थे क्या? गए थे ना। कब गए थे? आज ही गए थे। तो क्या कहा उन्होंने? मंगलवार ही दिए। मंगलवार को पैसे मिलेंगे? अच्छा, तो और तारीख पर तारीख लगाते जा रहा है। अच्छा, और काम भी नहीं हुआ आपका? काम कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी आपके पास कोई सबूत है कि आपने पैसे मांगे, कुछ ऐसे बातचीत? गवाह आएंगे।